हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आईफोन 30 प्रो का और आईफोन 30 प्रो मैक्स का रिव्यू करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो गाइस, हम पहले बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल की बैटरीज के बारे में। जहां पर आईफोन 30 प्रो में 3095 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पर आईफोन 30 प्रो मैक्स में 4352 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही इन दोनों मोबाइल में USB-C 2 लाइटिंग केबल मिलती है आपको, और इन दोनों मोबाइल में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है आपको, और ये दोनों मोबाइल 5G है। यहाँ पर दोनों मोबाइल में 2eSIM का सपोर्ट मिलता है आपको, और ये दोनों मोबाइल वाटरप्रूफ भी है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में। सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले प्रमोशन डिस्प्ले मिलती है इन दोनों मोबाइल में, और साथ ही इन दोनों मोबाइल में सेरेमिक शील्ड ग्लास का सपोर्ट मिलता है। आपकी बार एप्पल ने नोच को 20% छोटा कर दिया है यहाँ पर नोच के ऊपर। आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर इन दोनों मोबाइल में 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है, जो मतलब ऑटोमेटिक की कंट्रोल हो जाती है। जैसे आपको सब कंटेंट देखोगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। यहाँ पर इनकी ब्राइटनेस को बढ़ाकर 1200 यूनिट्स कर दिया गया है, और इन दोनों मोबाइल में नीचे की ओर आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स का सपोर्ट मिलता है। आईफोन 30 प्रो की स्क्रीन की साइज है 6.1 इंच, आईफोन 30 प्रो मैक्स की स्क्रीन की साइज है यहाँ पर 6.7 इंच। अब बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल के फ्रंट कैमरे के बारे में। जो दोनों मोबाइल में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इन दोनों मोबाइल में A50 Bionic चिप का सपोर्ट मिलता है। इन दोनों मोबाइल के बैक में स्टेनलेस स्टील की डिजाइन मिलती है आप। यहाँ पर बीच में लगाया है एप्पल का लोगो। अब बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल के रियर कैमरा सेटअप के बारे में, जो एक जैसा है दोनों का रियर कैमरा सेटअप। यहाँ पर कैमरा की साइज को बढ़ा दिया गया है, और इनमें कैमरों में नया सेंसर ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर तीनों कैमरे 12 मेगापिक्सल के दिए हैं। बात कर लेते हैं प्राइमरी कैमरा के बारे में, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड वाइड 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है, जिसके साथ में आप मैक्रो फोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है, साथ में लेदर स्कैनर आता है। नीचे की ओर लगे हुए LED फ्लैश और माइक्रोफोन लगा हुआ है। यहाँ पर आप 4K 60fps में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन दिया गया है, सिनेमिक वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप DSLR जैसी को वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें आप फोकस को एडिट करके एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस, अभी हमने बात कर ली दोनों मोबाइल के फीचर्स के बारे में। बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल की रैम और स्टोरेज और प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों मोबाइलों में 8GB रैम का ऑप्शन मिलता है आपको। अब गाइस, यहाँ पर इन दोनों मोबाइलों में स्टोरेज का 1TB का ऑप्शन भी मिलता है आपको। तो गाइस, हम पहले बात कर लेते हैं iPhone 30 Pro की स्टोरेज उसकी प्राइस के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो इनकी प्राइस और स्टोरेज के बारे में। अब बात कर लेते हैं iPhone 30 Pro Max की प्राइस और उसकी स्टोरेज के बारे में। जो इसकी स्टोरेज है इसकी प्राइस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर। अगर गाइस आप लोगों को iPhone 30 Pro और iPhone 30 Pro Max की वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे भाई ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोड करता रहता है। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।